पाक भारत कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान रेलवेज ने समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी। समझौता एक्सप्रेस ने आज सुबह 7 बजे लाहौर से भारत रवाना होना था। रेलवे हुकाम के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस की रवानगी का फैसला हालात बेहतर होने पर किया जाएगा। जबकि अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर रकम मार्च तक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हमसे उलझना नहीं आसान, अहले लाहौर यकज़बान। शहर भर में भारतीय जारियत के खिलाफ रैलियां। इस्लामी जमीयत तलबा की मॉल रोड पर एक बड़ी रैली। क्रश इंडिया के नारों से फजा गूंजी। इस्तांबुल चौक से मस्जिद शोहदा तक हजारों अफराध की झलक। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की टुलिंटन मार्केट से जेल रोड तक रैली। हुबुल वतनी में सरशार सारे पाक फौज जिंदाबाद के नारे। गजुमता में मजदा ट्रक एसोसिएशन पाक ट्रेडर्स अलायंस की रैली। समनाबाद में नौजवान चल पड़े। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी सबका पाक फौज से सारे यकजहती। वकला बरादरी भी हम आवाज। जीपीओ चौक पर एहतजाजी रैली। पाक फौज के हक में नारेबाजी। अवाम की तरह अवामी नुमाइंदे भी हम आवाज। अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को खराज तहसीन। मोदी को हर सतह पर जवाब देने का अज़्म। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है। फौज ने कभी कौम को मायूस नहीं किया और ना आइंदा करेगी। फैजुल हसन चौहान के भी वार, भारत की तरह रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। मोदी को कहा था कि पंगा ना लो, भारत ने पाकिस्तान को उकसाया। पाकिस्तान अपनी फजाई हदूद की हिफाजत कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले, शहबाज शरीफ का ट्वीट। जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम मुत्तहिद होकर जवाब देगी। कमर जमान कायरा। खातीन अराकीन असेंबली भी जज्बाए हुबुल वतनी से सरशार। तो सलामत वतन तो कयामत वतन, मरियम नवाज का भी ट्वीट। मिलकर बचाएंगे पाकिस्तान, छोटे बड़े सब यकज़बान। हम पुर अमन मगर जारियत का जवाब देना भी जानते हैं। वाघा बॉर्डर पर वाके गांव ठट्टा टलवाला के रिहायशी पुरजोश। नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा हमारा मुहाफिज है। हमें कोई खौफ नहीं, जामे शहादत पीने को बेकरार है। भारत कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करे, गाँव वालों का मुतालबा। एक बार फिर अमन में पहल, पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। हमने कल इंतजार किया, आज एक्शन लिया। भारत को बताना था कि आप कार्रवाई कर सकते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन खदशा था कि भारत जरूर कार्रवाई करेगा। एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। वजीर आजम इमरान खान का कौन सा खता। करो शुक्र खुदा का, नस नस में तू इस खून की हरकत है। हिम्मत मरदा फिर सुनो, जरा अगर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जिम्मेदार मुल्क और हम चाहते हैं जंग किसी के मफाद में नहीं। भारत को बताना था कि हम कर सकते हैं, जवाबी कार्रवाई के बगैर कोई चारा नहीं था। पाक फिजाइया ने जानी नुकसान भी बचाया और भारतीय तैयारी को भी गिराया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर। पाक फौज से सारे यकजहती। पंजाब बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। पंजाब भर के वकला पाक फौज के साथ इजहारे यकजहती करेंगे। पंजाब भर की बार एसोसिएशन में आज जनरल हाउस इजलास तलब किए गए हैं। वकला पाक फौज के साथ खड़े हैं पंजाब बार काउंसिल। केबल ऑपरेटर्स का इंडियन चैनल्स के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। पाक फौज के साथ मुल्क की दफा के लिए हम वक्त तैयार रहने का अज़्म। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
भारतीय फिल्मों के बाद थिएटर में गाने भी नहीं चलेंगे। थिएटर में भारतीय गाने चलाने पर पाबंदी आए। ड्रामों में इंडियन गानों की पेशकश को रोके। तमाम थिएटर मालिकान को वजीर इत्तेहाद की हिदायत। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। यकम मार्च से शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। जराए के मुताबिक पेट्रोल 4.71 रुपये, हाई स्पीड डीजल 9.44 रुपये, मट्टी का तेल 8.06 रुपये और लाइट डीजल 5.12 रुपये की कीमतों में फी लीटर इजाफे की सिफारिश। कीमतों में रद्दोबल का हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी के बाद होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समझेर साल कर दी। मेट्रो बस की तामीर में बेसाबकियों का एक और स्कैंडल। ट्रैक मुकर्रा कीमत से जायद में तामीर किए जाने का इंकशाफ। 2,70,33,95,000 रुपये का रिकॉर्ड मुरतब ही ना किया गया। ऑडिटर जनरल ने 247 एतराजात उठा दिए। भागों का शहर कूड़े के ढेर में तब्दील। 5वें रोज भी सफाई वर्कर्स की हड़ताल। गली मोहल्लों में पड़े कूड़ेदान इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। LWMC का अदायगी करने का दावा। सफाई वर्कर्स को ताहाल तनख्वाहें न मिली। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत सफाई सूरत हाल पर इजलास। तुर्क कंट्रेक्टर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब असेंबली के इख्तियारात में मजीद इजाफा। असेंबली मलाजमीन की मराहत और तकर्रो तबादलों का इख्तियार भी मिल गया। स्पीकर पंजाब असेंबली 2 साल के लिए एडहॉक तकर्री भी कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल शेर व शायरी और मौसीकी के मुकाबले। तलबा ने अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम।